नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद बाघेला। देश भर में सूरज सितम ढा रहा है, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, सबको इंतजार है बारिश का। आसमान की ओर सबकी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब बादल छाएंगे और कब बरसात होगी। मौसम बदलने की आस में लोग भीषण गर्मी से बर्दाश्त कर रहे हैं और जरूरी नहीं तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इस बीच तमाम जगह पारा लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जगह तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तपन, लू की लपेटों और उमस ने सभी को परेशान कर दिया है। हालांकि कहीं कहीं हल्के बादलों ने धूप से कुछ राहत दी है, लेकिन उमस के कारण पसीने की चिपचिपाहट बनी रही है। इधर न्यूनतम तापमान बढ़ने से रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। ऊपर से कई जगह पानी और बिजली के संकट ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूरज किस तरह सितम ढा रहा है, चलिए ये जानने के लिए शुरू करते हैं खास पेशकश सूरज का सितम। देश भर में गर्मी का सितम जारी है, मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। राज्य के ज्यादातर जिलों में भयंकर गर्मी पड़ रही है। यहां सोमवार को नौगांव में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। साल 1995 के बाद पहली बार इतना ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यह तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री ज्यादा है। इससे बस थोड़ा कम छतरपुर में अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य के बाकी शहरों की बात करें तो यहां भी ऐसी ही गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, ट्रैफिक कम देखने को मिल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बेचैन होने लगे हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर का तापमान 47.8 डिग्री, दमोह में 47.2 डिग्री, सतना में 47.1 डिग्री, गुना में 46.8 डिग्री, रीवा में 46.6, राजगढ़ में 46.4, रायसेन में 46.2 और सागर में 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंगलवार को भी इन सभी जगह पर तापमान 45 के पार ही रहने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव की जहां तक अपन बात करें तो दक्षिणी मध्य प्रदेश है जिसमें इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के जो जिले हैं यहां पर तापमान में कुछ हल्की सी गिरावट रहेगी। साथ ही साथ जो है शाम के समय यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति रहेगी और हल्की फुल्की वर्षा होगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो यहाँ भी एक बार फिर लू की चपेट में छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लू की स्थिति उत्तर पश्चिमी हवा की वजह से बनी हुई है, इससे लोगों को गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद कम है। मौसम वैज्ञानिक जनक राम साहू के मुताबिक हवा अभी पश्चिम से होकर आ रही है, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड के पास एक चक्रवात बना है और राजस्थान से बांग्लादेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है, वो उत्तरी मध्य प्रदेश से और हरियाणा से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। रायपुर में खास करके तापमान 45 डिग्री के आसपास रहेगा। हवा जो है उत्तर और पश्चिम से होके आ रही है, उसकी वजह से जो है छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में लू की स्थिति बनी रहेगी और चेतावनी भी जारी किया हुआ है 48 घंटों का। कल से हम जारी किए हैं 10 तारीख से, वो अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। और मौसम की स्थिति बनाने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता, एक रायपुर से हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं और भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर दोनों राजधानियों की स्थिति क्या है। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जिस तरह हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में आज दिन में बादल छाए हुए थे और कल भी बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो अभी तापमान की क्या स्थिति है और मौसम वैज्ञानिकों से आपने बात की होगी तो मौसम वैज्ञानिकों का आज के तापमान को लेकर क्या कुछ कहना है?
सर देखिए, मध्य प्रदेश में जो है गर्मी, तेज धूप लोगों पर सितम ढा रही है, लगातार लोग भी ज्यादा गर्मी से परेशान है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 72 सालों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल को वैसे झीलों की नगरी कहा जाता है, लेकिन भोपाल में पारा इस बार 45 और 40 तक पहुंच गया है। आज की बात करें तो आज भी पारा लगभग 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह हालांकि बादल छाए हुए थे, लेकिन इसके बाद भी तेज धूप पड़ी हुई है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। आलम यह है, भोपाल की वो सड़कें जहां पर लगातार चकाचौंध मची रहती थी, लोग दोपहर भी घरों से निकलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब घरों से निकलने से लोग बचते नजर आ रहे हैं और अपने घरों में गर्मी के सितम के चलते कैद हैं। आज की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और विदिशा, रायसेन समेत सभी संभागों में आज जो है तेज लू पड़ने की मौसम विभाग ने जो है चेतावनी दी है। वही हम बात करें तो इंदौर, देवास में कल हालांकि छिटपुट बारिश हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिला है, मतलब साफ है। शरद देखिए, पिछले एक दो दिन में जिस तरीके से पक्षियों का धूप के चलते मर जाना और देवास के एक गांव में बंदरों की जान चले जाना और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं हीट के चलते बंदरों की मौत हो जाना, मतलब साफ कर रहा है इस बार मध्य प्रदेश को जो है कहीं ना कहीं भट्टी बना दिया है सूरज ने और तेज धूप लोगों पर सितम ढा रही है। और वो क्या लगता है इस भट्टी से लोगों को निजात कब मिल सकती है, कब तक निजात मिलने की उम्मीद है? क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि दो दिन तक और इस तरह की भीषण गर्मी पड़ सकती है और उसके बाद मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। तो क्या लगता है कि क्या ये जो भट्टी है उससे लोगों को कब तक राहत मिल पाएगी? शरद देखिए, भोपाल, रीवा, चंबल, सागर संभाग की हम बात करें तो आगामी 24 से 48 घंटों तक तेज लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है, मतलब साफ है। इन चारों संभागों में जो है कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी के सितम से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि इंदौर और मालवा, निमाड़, देवास क्षेत्र में हालांकि कुछ छिटपुट बादल के साथ गरज चमक हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी तेज उमस पड़ती रहेगी, लोगों को गर्मी सताएगी, मतलब साफ है। मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन लोग चाहे पचमढ़ी कहें या फिर हम और पन्ना कहें, यहाँ भी जहाँ भी जो टूरिज्म प्लेस है वहाँ पर लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, मतलब साफ है, लोगों को गर्मी सता रही, यही वजह है कि लोग घरों में। प्रमोद, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं और हमारे साथ हेमंत शर्मा भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। हेमंत से जानते हैं कि हेमंत, हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी पारा तकरीबन 45 डिग्री के ऊपर पहुंचते जा रहा है, क्या कुछ वहां के हालात है और कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है शरद कि लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे संभागों में लू का जो कहर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे मैं रायपुर की बात करूं, चाहे बिलासपुर की बात करूं, चाहे राजनांदगांव की बात करूं, रायपुर का पारा 45 के पार चला गया है, बिलासपुर का पारा 45 के पार चला गया है, इसी तरीके से दुर्ग का जो पारा है वो 44 के आसपास है और ये जो तापमान का जो सिलसिला है वो काफी बढ़ता जाएगा। रायपुर में अंदेशा जताया जा रहा है, मौसम विभाग भी इस बात के संकेत दे रहा है कि जो तापमान है रायपुर का वो 46 के पार भी जा सकता है और अगर 40 के पार तो यहाँ का तापमान जाता है तो इस साल का ये रिकॉर्ड तापमान होगा। लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है शरद, लोग घर से निकल नहीं रहे, गर्म हवा के जो थपेड़े हैं वो सीधे तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति निकल रहा है तो सीधे उसके चेहरे में पड़ रहे हैं। अब बिना स्कार्फ के व्यक्ति यहाँ पर निकल नहीं रहा है, निकल भी रहा है तो वो या जो छाता है छतरी का सहारा वो लेता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, हम धर्मेंद्र शर्मा जी से जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र, देखा जाए कि ग्वालियर में रिकॉर्ड बन चुका है गर्मी का, इस बार तकरीबन 56 साल के बाद इस तरह की गर्मी देखने को मिल रही है, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त ग्वालियर में गर्मी के? देखिए ग्वालियर में जो गर्मी का आलम है वो लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है
तापमान जो है ग्वालियर का 47 से 48 डिग्री के आसपास हर रोज टहल रहा है और अब तो एक नए रिकॉर्ड कोई तरफ बढ़ गया है। ग्वालियर का तापमान तकरीबन 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो साफ तौर पर जो लोग हैं वो लगातार इस गर्मी और लू के थप्पड़ों से परेशान हो रहे हैं और जो घर से कोई भी जरूरी काम पे निकलने से पहले वो एहतियात के तौर पर अपने साथ पानी और एक दुपट्टा साथ में रख रहे हैं जिससे उनका बचाव हो सके। साफ तौर पर जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि अभी पिछले 72 घंटे जो निकले हैं वो काफी तेज गर्मी इस पीरियड में पड़ी है, लेकिन जो आने वाले 72 जो घंटे और हैं उसमें अभी कोई राहत मौसम विभाग मना कर रहा है कि मौसम में कोई राहत मिल सकेगी। जी नरमन, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, सर आपने बताया कि लोग गर्मी से बचने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में पानी की बोतल भी साथ में रखते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि हमने ये भी पता चला था कि ग्वालियर के पास जैसे हम झांसी और डबरा की बात करें वहां पर केरल एक्सप्रेस से कुछ यात्रियों का जो एसी खराब हो गया था उसकी वजह से 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, तो क्या लगता है कि यदि हम ग्वालियर की बात करें तो कितने मरीज इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं और गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक होने की वजह से या गर्मी के कारण लू लगने से अस्पतालों की क्या स्थिति है, कितने मरीजों की संख्या इस वक्त अस्पताल में बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, तकरीबन आधा दर्जन जो लोग हैं उनकी लू लगने से ग्वालियर जो अंचल है उसमें मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक आंकड़े साफ नहीं किए हैं प्रशासन ने, लेकिन जो अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है जारो को वहां पर जो मरीजों की संख्या है तकरीबन लू की चपेट में आने से तकरीबन 17 जो मरीज है 17 से 18 के आसपास उनकी ओपीडी रोज हो रही है जो लू लगने के कारण वहां पहुंच रहे हैं। कई ऐसे मामले भी पहुंच रहे हैं जिसमें हीट स्ट्रोक के कारण उनको भर्ती किया गया है। तो साफ तौर पर जो अस्पताल है वो उसमें भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो लू चलने का जो सिलसिला है वो सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 6 से 7 बजे तक लोगों को गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल पा रही है। तो साफ तौर पर जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और अब तो जो जलीय प्राणी भी हैं उनकी भी इस गर्मी से मौत के कारण सामने दिखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, यानी कि अस्पताल में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ग्वालियर में हालात यह है कि 48 डिग्री के तकरीबन पारा पहुंच चुका है और उसकी वजह से 6 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं हेमंत शर्मा, हेमंत से जानते हैं। हेमंत, जिस तरह हमने बात की धर्मेंद्र शर्मा से, उन्होंने बताया कि 6 लोगों की मौत वहां पर ग्वालियर में हो चुकी है। यदि हम रायपुर की बात करें, रायपुर में पारा तकरीबन 45 डिग्री के दरमियान चल रहा है, ऐसे में वहां की हालात क्या है, अस्पतालों की क्या स्थिति है और लोग किस तरह हलाकान नजर आ रहे हैं वहां पर? हाँ देखिए शरद, जिस प्रकार से लू की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है उससे जो लोग हैं वो डिहाइड्रेशन का शिकार सीधे तौर पर हो रहे हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि जो ऑफिस वर्क के लोग हैं वो दिन भर अपना कामकाज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जल्द ही अपना काम सुबह निपटा ले रहे हैं और दोपहर में वो घर में ही आराम कर रहे हैं, उसके बाद जब शाम के जो पांच बजते हैं तब अपनी कुछ जरूरी काम है उसको निपटाने के लिए वो घर से निकल रहे हैं। तो जो दोपहर का समय है वो काफी लोगों को परेशान करता नजर आ रहा है। अगर जिस तरीके से आपने बात किया थे ग्वालियर में जो 6 मौतें हुई है, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ भी 2 मौतें हुई है। भिलाई में एक जो सीएफ का जवान था उसकी मौत हुई थी, वो क्या है दोपहर में रनिंग वो कर रहा था, उसके बाद तुरंत अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा उसका एक और साथी था जो किसी दूसरे राज्य से उन लोग आए हुए थे, उसका दूसरा जो साथी था वो भी लू की चपेट में आ गया था। तो काफी एक तरह से देखा जाए तो चिंता का विषय है लोगों के लिए गर्मी, क्योंकि रिकॉर्ड तौर पर इस बार छत्तीसगढ़ में गर्मी पड़ रही है और लोग एहतियात के तौर पर अगर निकल भी रहे हैं घर से तो उनके हाथ में एक जो स्कार्प है या एक प्याज, ये मान्यता मानी जाती है कि जो प्याज का इस्तेमाल करता है उसको लू नहीं लगता, इसलिए लोग प्याज का सहारा भी ले रहे हैं, उसकी जेब में प्याज दिन भर मौजूद रहता है। तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लू पूरी तरह से चपेट में यहाँ ले लिया है और मौसम विभाग की बात करें तो अगले 24 घंटे सभी जो संभाग हैं छत्तीसगढ़ के वहाँ लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। हेमंत, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरह देखा जाए कि लोग तो अपनी तरफ से तमाम तरीके जो एहतियात के तौर पर चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ गर्मी से राहत पाने के लिए
कुछ किया गया, उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन अलर्ट जारी करने के बावजूद भी यदि हम अस्पतालों की स्थिति देखें और वहाँ के हालातों को देखें तो क्या कुछ व्यवस्था जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग या फिर महकमे ने की है? हाँ देखिए, सीधे तौर पर मौसम विभाग अगर कोई चेतावनी जारी करता है तो एक पत्र आपदा प्रबंधन और एक पत्र जिला प्रशासन को लिखता है, और पत्र के माध्यम से वो कहता है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं वो गर्मी के तहत किया जाए। तो इसी के तौर पर प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि कम से कम वो घर से ना निकले दोपहर के वक्त। हालांकि काम इतना लोगों के पास रहता है कि निकलने को मजबूर होते हैं, तो प्रशासन ने कहा है कि अगर आप निकल भी रहे और किसी प्रकार की आपको दिक्कतें हो रही तो आप सीधा जो अंबेडकर अस्पताल है या यहाँ पर जिला अस्पताल है, जो सर सुविधाएं हैं वहाँ पर आप पहुँचे। और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, और हमारे साथ इस वक्त अरविंद दुबे जुड़ चुके हैं जबलपुर से। हम उनसे जानते हैं कि जबलपुर के क्या हालात है, क्योंकि हमने रायपुर और ग्वालियर और साथ में भोपाल की स्थिति जान ही रहे, साथ में देखते हैं कि आखिरकार जबलपुर की क्या स्थिति है। इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ अरविंद दुबे जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, क्या लगता है कि हम बात कर रहे हैं जबलपुर के क्या हालात है सब गर्मी को लेकर? मध्य प्रदेश में काफी अलग तरह की आबो हवा का माहौल जबलपुर में देखने को मिलता था जून के दूसरे हफ्ते में, लेकिन फिलहाल जून का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत तकलीफ दे बने हुए हैं। 46 डिग्री के आसपास तापमान घूम रहा है। पहले हफ्ते की बात करें तो 119 साल का रिकॉर्ड टूटा, 43 डिग्री के ऊपर तापमान गया था, लेकिन दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ये 46 पर अटका हुआ है। खास बात यह है कि सुबह से ही ये माहौल बन जाता है और देर शाम तक यहाँ पर तापमान जो है वो 46 डिग्री के आसपास रहता है, और शाम के बाद 4 बजे के बाद जो गर्म हवाएं हैं वो अपना प्रकोप रात के 12 और 2 बजे तक दिखाती है। यानी कि रात में भी यदि बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर आ रहे हैं, तो गर्म हवाओं के थपेड़े लगते हैं जो आमतौर पर जबलपुर के माहौल के हिसाब से नहीं होते हैं। एक खास बात इस बार और देखने को आ रही है वो ये है कि जबलपुर की रातें गर्मियों में भी ठंडी हुआ करती थी, लेकिन इस बार रात में भी तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों का मानना है, स्थानीय वैज्ञानिक जो जबलपुर के हैं उनका मानना ये है कि चूंकि जबलपुर की हरियाली का पिछले 3 साल में जबरदस्त वृष्टिकरण किया गया है विकास के नाम पर, एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये है कि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं जो पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं उसका असर भी सीधे तौर पर जबलपुर को हो रहा है। मौसम विभाग के यदि वैज्ञानिकों की बात माने तो लगभग 3 से 4 दिन तक अभी और इस तरह का माहौल बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी तमाम जानकारी के लिए। यानी कि जबलपुर के भी हालात ऐसे हैं कि अब रात का तापमान भी 30 से 35 डिग्री तक पहुंच गया है। सर, प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं, हम प्रमोद से जानते हैं। प्रमोद, जैसा कि माना जा रहा है कि 2 दिन का और जो गर्मी है वो कहर ढाएगी, उसके बाद हमें वापस मानसून का स्वाद चखने को मिल सकता है, क्या लगता है कि मौसम वैज्ञानिक की ये बात को हम कितना सही माने? सर देखिए, फिलहाल तो ये हम तेज गर्मी का है या आसमान से जो आग बरस रही है प्रकृति का प्रकोप है। अब हालांकि 72 सालों से इस बार 72 साल बाद इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, लोगों को गर्मी बेहद तड़फा रही है, और यही वजह है कि लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू सिकंजी या फिर जूस का सहारा ले रहे हैं, या फिर अधिकतम समय जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हैं। बच्चों को, खासकर जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, घरों में कैद किए हुए, क्योंकि ऐसे में भीषण लू लगने से लोग बीमार हो सकते हैं, और यही वजह है कि अस्पताल जो है वो खचाखच भरे हुए और ज्यादातर सभी गर्मी से पीड़ित हैं। मौसम विभाग की माने तो शरद आगामी 24 से 48 घंटों तक गर्मी से राहत मिलने की बहुत कम उम्मीद। हमारे साथ अजय शुक्ला मौसम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त भीषण गर्मी पूरे प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भारी प्रकोप लग रहा है गर्मी का। यदि हम गर्मी से राहत की बात करें तो क्या लगता है कब तक प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है? देखिए, अभी तो गर्मी के राहत जो है दक्षिण मध्य प्रदेश है, जिसमें आपका इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग आते हैं, यहाँ पर 1-2 डिग्री का तापमान में कमी आएगी, और उत्तरी मध्य प्रदेश जिसमें ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग है, यहाँ पर जो है कोई ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, और वैसे भी जो है तापमान कहीं कहीं जो है 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, नौगांव में दर्ज किया गया, और आज भी टेम्परेचर वही रहेगा।
सर, एक तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान काफी ज्यादा पहुंच गया है, लेकिन लोगों को यही उम्मीद है कि इस बार जो लोग आस लगाए बैठे हैं कि जो मानसून है वो जल्दी प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो केरल से जो मानसून है वो काफी देर बाद आएगा, तो क्या लगता है कि मानसून का जो इंतजार कर रहा है वो इंतजार की घड़ी आखिरकार कब खत्म होगी? देखिए, मानसून जो है केरल से कर्नाटक तक पहुंच गया है, लेकिन अभी एक सीवियर साइक्लोन बनने की स्थिति में है अरब सागर में, उसके कारण मानसून जो है अभी बढ़ने में कुछ देरी होगी, तो एनर्जी जो है उधर डाइवर्ट हो गई है, तो अभी जो है फिर से जब दोबारा मानसून आगे बढ़ेगा तब फिर मध्य प्रदेश में आएगा और 25 तारीख के आसपास आने की संभावना है। सर, एक चीज थोड़ी जानना चाहूंगा आपसे बहुत शॉर्ट में, जिस तरह देखा जाए कि जो 12 जून को गुजरात से एक चक्रवात वायु बनकर आ रहा है, मध्य प्रदेश में उसका कितना असर पड़ सकता है? मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि वो वहीं गुजरात में खत्म हो जाएगा जी। लेकिन हमारा अनुमान है कि थोड़ा सा मॉइस्चर जो है आर्द्रता मिलेगी तो इंदौर भोपाल सहित जो है दक्षिण मध्य प्रदेश में थोड़ा सा असर पड़ेगा, 2-3 डिग्री जो है तापमान में कमी आएगी और शाम के समय गरज चमक की स्थिति बन सकती है जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रायपुर से। अब हेमंत से जानते हैं कि हेमंत, जिस तरह मौसम वैज्ञानिकों ने भी बताया कि जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि इंतजार करना पड़ सकता है मानसून को लेकर, अभी इंतजार कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम बात करते हैं एसी की, अस्पतालों की हम बात करें या घरों की बात करें, कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, एसी फेल होते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस भीषण गर्मी का असर आखिरकार कब तक बना रहेगा? इस वक्त एचपी चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक रायपुर से एचपी चंद्रा। चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जिस तरह हम मौसम की बात कर रहे हैं कि मौसम का जो कहर बरपा हुआ है वो लगातार लोगों पर हावी नजर होता आ रहा है, लेकिन इस मौसम से आखिरकार लोग निजात पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कब तक करना पड़ सकता है? धन्यवाद। और जो आपका प्रश्न है ये है कि एक्चुअल में जो एमपी है और अपने लगा हुआ विदर्भ है जी। तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और उधर से क्योंकि शर्ली विंड आ रही है छत्तीसगढ़ में, कल तापमान है पॉइंट पर पहुंच गया जी। हीट वेव चल रहा था और 2-3 जगह है लगभग, बाकी सभी जगहों में चंद्र जी, सभी लोगों की एक ही सवाल उठकर सामने यही आ रहा है कि आखिरकार मानसून कब तक आ सकता है? लोगों को इंतजार है कि मानसून की एक कोई तारीख तय हो, ऐसा कुछ लगता है आपको कि मानसून की एक ऐसी संभावना है कब तक मानसून आ सकता है, ताकि लोगों को ये खबर ही मिल जाए कि मानसून इतनी तारीख को आ रहा है तो लोगों को राहत मिल सके? नहीं, तो लोगों को तो राहत, मानसून के ऊपर जो बारिश होगी उससे भी होगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन में छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने जा रहा है जी, तो उसके कारण हो जाएगी। और मानसून की स्थिति है वो चूंकि केरल पहुंचने में ही लगभग 8 दिन का लेट हो गया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बस्तर में प्रवेश है 10 तारीख को नॉर्मल डेट रहता था जी, वो अभी कल लगभग 18 तारीख मान ले और उसके 5 दिन के बाद में लगभग पूरे छत्तीसगढ़ कवर कर लेता था, फिर मान करके चले कि 23 जून तक छत्तीसगढ़ को कवर करने की स्थिति है यदि सामान्य स्थिति बना रहा तो, और यदि स्थिति और ज्यादा अच्छा अनुकूल बनेगा तो उससे पहले भी हो सकता है, और यदि प्रतिकूल रहा तो लेट हो सकता है। यानी कि माना जाए कि 9 से 10 तारीख तक मानसून रायपुर में दस्तक दे सकता है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद एचपी चंद्रा जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे साझा होने के लिए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, और जिस तरह उन्होंने बताया था कि लू की चपेट में आने से तकरीबन 6 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ में और अभी भी लू के प्रकोप जारी है, इस लिहाज से यदि हम बात करें धर्मेंद्र, क्या लगता है कि अस्पतालों में इस वक्त क्या कुछ प्रकोप देखने को मिल रहा है, कितनी भीड़ देखी जा रही है अस्पतालों में और मरीज किन किन बीमारियों को लेकर आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे ज्यादा जो मामले इस समय आ रहे हैं वो हीट स्ट्रोक और लू लगने के ज्यादा आ रहे हैं। तो लू लगने के जो पूरे मामले हैं तो उसमें जो चिकित्सक है उनका साफ तौर पर कहना है कि बचाव ही इसका एक सबसे बड़ा उपाय है, उसके अलावा फिर जो उपचार, अगर ऐसे कोई लक्षण लगते हैं तो तुरंत उपचार उसका लिया जाए।